दर्शकों, सुख और दुख जिंदगी के दो पहिए हैं। निराश मत होना, शांत बैठकर इसे सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुख दुख जीवन के दो पक्ष हैं। शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने जीवन में कभी दुख का अनुभव ना किया हो। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जिसे जीवन में एक बार भी सुख न मिला हो। वास्तव में सुख दुख जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। दोनों मनुष्य को शक्ति, सहजता और शिक्षा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि न तो दुख में घबराना चाहिए और न सुख में इतराना चाहिए। सुख दुख तो जीवन की ऊर्जा के आधार हैं। सुख से शांति, पवित्रता और शुभता का संचार होता है तो दुख से जीवन के आवश्यक सबक मिलते हैं। फिर भी यह किसी विडंबना से कम नहीं कि मनुष्य जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं चाहता। वह हमेशा सुखी रहना चाहता है और वह भी अपनी इच्छा या आवश्यकता के अनुसार। महाभारत में वेदव्यास कहते हैं कि सुख और दुख मानव के कर्मों के ही परिणाम हैं। इसीलिए परिणाम को सहजता से स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। जो परिणाम को सहजता से स्वीकार कर लेता है वह अनेक प्रकार की विसंगतियों और मनोविकारों से बच जाता है। इसी में जीवन के सुख का सूत्र निहित है। हमारे अपने विचार ही हमारे सुख व दुख का कारण है। संसार में दिखाई देने वाली विभिन्नताएं, विचित्रताएं भी हमारे विचारों का प्रतिबिंब ही है। संसार मनुष्य के विचारों की ही छाया है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक, किसी के लिए संसार अशांति, क्लेश, पीड़ा आदि का आगार है तो किसी के लिए सुख सुविधा संपन्न उपवन। एक सी परिस्थितियों में एक सी सुख सुविधा समृद्धि से युक्त दो व्यक्तियों में भी अपने विचारों की भिन्नता के कारण असाधारण अंतर पड़ जाता है। एक अपने जीवन में प्रतिक्षण सुख सुविधा, प्रसन्नता, खुशी, शांति, संतोष का अनुभव करता है तो दूसरा पीड़ा, क्रोध, क्लेशमय जीवन बिताता है। इतना ही नहीं, कई व्यक्ति कठिनाई का अभावग्रस्त जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न रहता है तो कई समृद्ध होकर भी जीवन को नारकीय यंत्रणा समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट रहकर जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देता है तो दूसरा अनेक सुख सुविधाएं पाकर भी असंतुष्ट रहता है। दूसरों को कोसता है महज अपने विचारों के कारण। प्राचीन ऋषि मुनि आरण्यक जीवन बिताकर कंद मूल खाकर भी संतुष्ट और सुखी जीवन बिताते थे और धरती पर स्वर्गीय अनुभूति में मग्न रहते थे। लेकिन आज का मानव है जो पर्याप्त सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैज्ञानिक साधनों से युक्त जीवन बिताकर भी अधिक क्लेश, अशांति, दुख, उद्विग्नता से परेशान है। यह मनुष्य के विचार चिंतन का ही परिणाम है। अंधे होने के बाद भी कवि मिल्टन कहा करते थे, भगवान का धन्यवाद है जिसने मुझे जीने का अमूल्य वरदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, अफसोस है कि मैंने जीवन का एक सप्ताह भी सुख शांति पूर्वक नहीं बिताया, जबकि उसे समृद्धि, ऐश्वर्य, संपत्ति, यश आदि की कोई कमी नहीं थी। सिकंदर भी अपने अंतिम जीवन में पश्चाताप करता हुआ ही मरा। जीवन में सुख शांति, प्रसन्नता अथवा दुख, क्लेश, अशांति, पश्चाताप आदि का आधार मनुष्य के अपने विचार हैं, अन्य कोई कारण नहीं। समृद्ध, ऐश्वर्य संपन्न जीवन में भी व्यक्ति गलत विचारों के कारण दुखी रहता है और उत्कृष्ट विचार वाले, किसी का किंचित मात्र भी नुकसान न करने वाले और परोपकारी व्यक्ति अपने अभावग्रस्त जीवन में भी सुख शांति, प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह एक सुनिश्चित तथ्य है। एक मनुष्य दुखी तथा दूसरा खुश क्यों होता है? एक मनुष्य सुखी और समृद्ध, दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? सुख दुख जीव का अपना ही कर्म फल है। प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ता है। भागवत में कहा गया है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। यदि किसी कारण से उसी जन्म में जीव अपने कर्म का फल नहीं भोग सका तो वह बचा हुआ कर्म हमारे पाप या पुण्य के खाते में जमा हो जाता है और वही संचित कर्म कहलाता है। संचित कर्म पर जीव का वश नहीं रहता है।
फिर भविष्य के जीवन में परमात्मा उसी संचित कर्म का फल जीव को भोगने के लिए देते हैं। तब उसे प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। भविष्य पुराण कहता है, एह जन्म कृतं कर्म पर जन्मानि प्रपेत। परमात्मा किसी का भाग्य अच्छा और किसी का बुरा नहीं लिखते हैं, न ही हमें अपनी ओर से सुख या दुख देते हैं। वे हमारे ही बचे हुए कर्म का फल हमको देते हैं, पर याद नहीं रहने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, पर उसका फल मैं देता हूं। वे फल कैसा देंगे? जैसा हमारा कर्म है। गुरु नानक देव जी का वचन है, जो मैं किया सो मैं पाया, दो सु न दीजे अवरुजना। रामचरितमानस भी कहता है, काहू न को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनुभ्राता। कोई अच्छा आदमी आज कष्ट में जी रहा है, तो यह कष्ट उसके किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल हो सकता है। उसी तरह आज यदि कोई पापी मनुष्य सुखमय जीवन जी रहा है, तो यह उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्म का फल हो सकता है। क्या दुख के बाद सुख आता है? दुख के बाद सुख ही आता है, कितने दिनों बाद आता है इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। दुख और सुख हमारे कर्म और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मनुष्य के दुख को परिभाषित करना मुश्किल कार्य है। शारीरिक कष्ट को दुख कहा जाता है, या गरीबी को, या पड़ोसियों की तरह स्टेटस मेंटेन न कर पाने को। शारीरिक कष्ट यदि बीमारी, घाव, फोड़ा, दुर्घटना इत्यादि के द्वारा हुआ है और उसका इलाज संभव है, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों में आप स्वस्थ हो जाएंगे और आपके जीवन में दुख के बाद सुख आ जाएगा। गरीबी अमीरी विरासत में मिला करती है। आप लगातार मेहनत करके अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। अगर आप पड़ोसियों और अमीर वर्ग से प्रतियोगिता करते रहेंगे, तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठना कि दुख के बाद सुख ही आता है, ये सही नहीं है। जीवन में सुख मिलता कैसे है? सुख को केवल महसूस करना होता है, वो आपके पास ही है। इंसान का व्यवहार कुछ ऐसा है कि वो हर वक्त सुख को खोज रहा होता है, जबकि वो कहीं बाहर नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि अगर आप एक आम सी दिनचर्या को जी पा रहे हैं, तो मेरे नजरिए से आप सुखी हैं। लेकिन आपको ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन अभी कोई बीमारी हो जाए, या चोट लग जाए, या पानी का मोटर खराब हो जाए, तब एहसास होता है कि पहले तो आप खुश थे, फिर लगता है कि यह समस्या खत्म हो जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे। दुख के अभाव में लोग सुख को महसूस करना बंद कर देते हैं। अगर हमारे माता पिता को बुढ़ापे में घर का सारा काम करना हो, तो दुख होता है। लेकिन अगर सारा काम कोई और कर रहा हो और सारा दिन कुछ न करना हो, केवल खाली बैठकर गुजारना हो, तो ये भी कठिन हो जाता है। तो सुख कहां मिलेगा? अगर आप ये सोचो कि मेरे पास क्या है जो बहुतों के पास नहीं है, तो आपको सुख मिलेगा। जैसा जीवन है, इससे बुरा भी हो सकता है, ये भी सुख है। आप स्वस्थ हैं, तो ये भी सुख है। जिंदगी में हम कब तक सुख के लिए दुख भोगेंगे? जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही अनिवार्य हैं। सुख के लिए दुख भोगना कितनी देर तक जारी रहेगा, इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है। यह व्यक्ति की परिस्थितियों, दृष्टिकोण और कर्मों पर निर्भर करता है। यहां कुछ बातें हैं जो सुख और दुख के अनुभव को प्रभावित करती हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो दुख का कारण बनती हैं, जैसे कि बीमारी, मृत्यु या आर्थिक कठिनाई। इन परिस्थितियों में दुख एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। दृष्टिकोण, जिस तरह से हम परिस्थितियों को देखते हैं, वह हमारे सुख दुख को प्रभावित करता है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम दुख को भी स्वीकार कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। हमारे कर्म हमारे जीवन में सुख दुख को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म सुख का कारण बनते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको सुख और दुख के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
वर्तमान क्षण में जीना। अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में जीने पर ध्यान दें। कृतज्ञता, अपने जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना आपको खुशी और संतुष्टि दे सकता है। स्वीकृति, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उन चीजों को स्वीकार करना सीखें जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारों को अपने मन में रखें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। हम दुख से बच नहीं सकते, लेकिन हम इसका सामना करने का तरीका चुन सकते हैं। यदि आप दुख का अनुभव कर रहे हैं तो मदद लेने में संकोच न करें। कई लोग हैं जो आपको इस मुश्किल दौर से गुजरने में मदद कर सकते हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही चलते रहेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन अनुभवों से सीखें और विकसित हों। जो सुख का साधन होता है वही दुख का कारण क्यों बनता है? जो सुख का साधन होता है वही दुख का कारण इसलिए होता है क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी सत्य को प्रतिपादित करने के लिए हमें संतों ने समता भाव रखने को कहा, अनावश्यक मोह से बचने को कहा। जिस तरह ज्यादा शहद की चाह में कोई मक्खी कटोरी के बीच में जाकर बैठ जाती है तो वहीं पर चिपक कर मर जाती है, इसके विपरीत यदि मक्खी कटोरी के किनारे बैठकर शहद का स्वाद लेती है तो सूखे परों से उड़ भी जाती है। इसी प्रकार हमें भी बहुत ज्यादा सुख की चाह में अपने कर्म खराब होने से बचाना है। अपने सगे संबंधियों के मोह में बुरी तरह से न फंसकर प्रेम का विस्तार अधिक से अधिक लोगों तक करना है। क्षणिक सुख के लिए क्रोध, लोभ और अहंकार का शिकार नहीं बनना। सुख के प्रति आसक्ति हमारे दुखों का कारण है, क्योंकि जब कभी दुर्भाग्य से सुख छिन जाता है तो दुख सहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यदि सुख को हम तटस्थ भाव से लेंगे, उसको पाकर दीवाने और पागल नहीं होंगे तो दुख सहना भी सरल हो जाएगा। इनके प्रति समता भाव रखने वाले लोगों को सुख दुख की तीव्रता उतनी प्रभावित नहीं करती जितनी सामान्य लोगों को करती है। सुख और दुख मानव के कर्मों का ही परिणाम है। सुख और दुख कहते हैं, मनुष्य सुख में प्रसन्न होता है जबकि दुख में रोता है। ऐसी स्थिति में जन्म के समय शिशु के रुदन को क्या कहेंगे? निश्चित ही उसे सुख नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सुख या प्रसन्नता में आंखों का नम होना तो स्वाभाविक है, मगर इस प्रकार का क्रंदन नहीं। आखिर जन्म के समय शिशु के रोने का क्या कारण है? विज्ञान के अनुसार जन्म के समय शिशु का रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं शिशु के रोने का एक कारण यह भी माना जाता है कि माता के गर्भ से बाहर आने के बाद उसे लगता है वह एक अनजानी जगह आ गया है और उसे यह संसार सुरक्षित नहीं लगता, इसीलिए वह रोता है। और जब माता उसे सीने से लगा लेती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वह सुरक्षित है। इसीलिए माँ की गोद शिशु के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी गई है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।